शनिवार को आदित्य L1 को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। अपनी लॉन्चिंग के एक दिन बाद रविवार को आदित्य L1 ने अपनी ऑर्बिट बदल ली है और अब वह दूसरी ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। जारी प्रक्रिया के अनुसार इसे 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, इसके बाद वह सूर्य की ओर अपने मार्ग पर बढ़ जाएगा। आदित्य L1 16 दिनों में 5 बार पृथ्वी की ऑर्बिट बदलेगा। इसरो के अपडेट के मुताबिक अब 5 सितंबर को दोबारा ऑर्बिट में बदलाव होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो ने यह जानकारी दी है। आदित्य L1 ठीक से काम कर रहा है और उसने अपनी ऑर्बिट बदल ली है। भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजे गए पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की कक्षा बदलाव की अगली प्रक्रिया 5 सितंबर 2023 को होनी है। इस दौरान भारतीय समय अनुसार देर रात लगभग 3 बज रहे होंगे। आदित्य L1 235×19,500 किलोमीटर की कक्षा से निकलकर 245×22,459 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। आदित्य L1 की ये पहली बड़ी सफलता है और इसे सूरज की ओर पहला पग बढ़ाना भी कहा जा रहा है। तो मिशन आदित्य L1 को लेकर फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। इसरो ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक काम भी हो रहा है। बाकी आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए ABP Live।